अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बड़े का गोश्त और साथ में चावल का खुशका बनाने की रेसिपी बताऊंगी। ये बहुत ही टेस्टी डिश बनकर तैयार होती है, बड़े का गोश्त और उसके साथ खुशका। चलिए देखते हैं कैसे इसको तैयार करना है। 1 किलो हम बड़े का गोश्त पकाएंगे। इसके लिए सबसे पहले मसाला हम देखेंगे। 4 बड़े प्याज कट कर लिए हैं मैंने। इसको हम कुकर में डायरेक्ट डालेंगे, अभी हम इसको बाद में भूनेंगे। सबसे पहले मसाला हम डालकर गोश्त के साथ गला लेंगे। 4 बड़े प्याज कट करके डाल दिए हैं। इसी के साथ 4 टेबलस्पून हम जिंजर पेस्ट डालेंगे। ये देखिए 4 टेबलस्पून मैंने डाल दिया है। इसी के साथ 2 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट डाल देंगे। 1 बड़ी इलायची डाल देंगे। 1/2 टीस्पून काली मिर्च, 2 छोटी इलायची डाल देंगे, 3 लौंग। इसी के साथ हम 1 टीस्पून भरकर रेड चिली पाउडर डालेंगे। 1/2 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर डाल देंगे। इन मसालों को थोड़ा हम मिक्स करेंगे। अब हम इसमें बड़े का गोश्त ऐड करेंगे। ये देखिए 1 किलो लिया है मैंने और इसको मैंने धोकर छन्ने में रख लिया है। ये हम सारा डाल देंगे और गोश्त को मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को अब हम ऑन कर लेंगे। ये देखिए सबसे पहले गोश्त को हम गलने के लिए रखेंगे मसालों के साथ। इसको हम बाद में भून कर तैयार करेंगे। नमक डाल दिया है मैंने स्वाद के अनुसार। इसमें मैंने 1.5 टी स्पून नमक ऐड किया है। आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग नमक इसमें ऐड करिएगा। मिक्स कर लेंगे भी नमक को भी हम। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें 1 कप पानी डाल देंगे, बस 1 ही कप डालेंगे। ढकना लगाएंगे और इसको पकने के लिए हम रखेंगे 3 प्रेशर आने तक फुल फ्लेम पे, और लो फ्लेम पे हम इसको 10 मिनट पकने देंगे। उसके बाद इसको खोलकर चेक करेंगे। ये देखिए 1 पीस हम निकाल कर देखेंगे ये अच्छे से कुक हुआ है या नहीं। गर्म है ये काफ़ी, चेक कर लेंगे। देखिए ये हड्डियों से अलग हो रहा है, ये अच्छे से कुक हो चुका है। बस अब हम इसको भूनेंगे। कढ़ाई में मैंने 50 ml सरसों का ऑयल डाला है। आप चाहे तो कुकिंग ऑयल भी डाल लीजिएगा। 2 बड़े प्याज को लेकर मैंने स्लाइस में कट किया है। इसको हम गोल्डन फ्राई करेंगे। फुल फ्लेम पे इसको हम गोल्डन फ्राई होने देंगे। इसी के साथ मैंने दूसरे फ्लेम पे चावल को पकने के लिए रखा है खुशका बनाने के लिए। ये देखिए बासमती चावल लिया है मैंने 400 ग्राम, और पानी मैंने बिल्कुल इसका 3 गुना रखा है। इसको हम पकने देंगे। सबसे पहले नमक डाल देंगे हम, क्योंकि खुशका थोड़ा नमकीन होता है। चावल में उबाल आएगी तब मैं आपको दिखाती हूँ। प्याज को अब हम चेक कर लेंगे। ये देखिए साथ साथ इसको भी हम चलाते रहेंगे। ये हो गई है, बस इसको इसी में अब हम गोश्त सारा डाल देंगे। सारा गोश्त मैंने डाल दिया है। अब फुली फ्लेम पे अब हम इसको भून लेंगे अच्छे से। फुल फ्लेम पे इसको हम कुछ कुछ देरी पे चलाते हुए भूनेंगे अच्छे से। इसको तकरीबन 10 मिनट लगेगा भूनने में। ये देखिए 10 मिनट मैंने इसको अच्छे से भून लिया है। ये काफी अच्छे से भून कर रेडी है। बस इसमें अब हम थोड़ा पानी ऐड कर लेंगे। कुकर में थोड़ा जो मसाला लगा हुआ था उसी में मैंने 1/2 गिलास पानी डाला है, वो ही मैंने हिलाकर डाल दिया है। अगर आपको ग्रेवी चाहिए तो आप इसमें और पानी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें हम 2 पीस हरी मिर्च कट करके डाल देंगे। थोड़ा मिक्स कर लेंगे। बस इसको हम तरी आने तक पकने देंगे।
तरी आने के बाद फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे। ये देखिए चावल ही हमारे पक्का तैयार है, इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है वो हम निकाल देंगे। सारा एक्स्ट्रा पानी हमें इसका हटा लेना। ये देखिए अब हम इसमें एक हरी मिर्च कट करके डालेंगे और ऊपर से हम 3 से 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाल देंगे। आप चाहे तो देसी घी भी इसमें डाल सकते हैं। फूड कलर डाल देंगे, थोड़ी सी गोल्डन की प्याज मैंने डाल दिया है। अब इसको हम दम पे पकने देंगे, फ्लेम को दोबारा से ऑन करेंगे और लो फ्लेम पे इसको हम दम देंगे तकरीबन 2 मिनट, बस 2 ही मिनट। हम इसमें हम पहले ऊपर से थोड़ा कटा हुआ धनिया भी डाल देंगे, इससे काफ़ी सुंदर बनकर तैयार होता है खुशका हमारा। थोड़ी सी मैंने कट करके डाल दिया है, बस ढकेंगे, 2 मिनट के बाद हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। गोश्त भी हमारा देखिए ऊपर तरी आ गई है, इसमें भी हम कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे। बस ये रेडी है, फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और इनको हम सर्व कर लेंगे। कितना जल्दी ये बनकर तैयार हो गया है, चावलों को ही मैंने दम दे ली है। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे, जो हमने कलर डाला है और जो ऊपर से हमने ऑयल डाला हुआ है, अच्छे से हमें इनको मिक्स कर लेना है। ये देखिए कितना आसान है इसको बनाना और बहुत ही टेस्टी ये डिश लगती है खाने में। आप इसको ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। आप इसको मटन के साथ भी तैयार कर सकते हैं, अगर आपको मटन पसंद है तो उसके साथ आप कुछ तैयार कर लीजिए। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आ रही है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा।